रौब दारू और कड़वा सच है। कर्नल का आधार धड़कन धड़कन जुड़ा हुआ है। शिक्षा का संचार गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार। गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार। भैया कर्नल का ये कमाल, रे बबुआ कर्नल का ये कमाल। कमाल कर्नल का। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नाराज झंडा घर आकर खाना खा रहा होता है कि ममता प्यार प्यार में ही झंडा पर बिफर जाती है। वो कहती है कि वो अपने कमरे में उसे घुसने क्यों नहीं देता, हमेशा बंद क्यों रखता है, परंतु झंडा उसका जवाब बोल कर जाता है। इधर सतनाम चौधरी सुधा के बाप को बुलाकर बहुत जलील करता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसकी लड़की ने गांव में बड़े बूढ़ों का स्कूल खोलने की कोशिश की तो जमीन से बेदखल करके उसको गांव से बाहर भगा देगा। एक रात कर्नल अपने मित्र परमानंद पत्रकार से मिलने उसके घर जाता है और अपने आने का मकसद बताता है। वहीं उसकी मुलाकात मास्टर हरिदास से भी हो जाती है। तीनों मिलकर गांव के बुजुर्गों को पढ़ाने का पीड़ा उठाते हैं। एक दिन बाजार में झंडा सिंह डाकिये को बताता है कि गांव में बड़े बूढ़ों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलने की तैयारी पूरी जोरों पर है। सुनकर डाकिया बौखला जाता है। खैर आगे देखते हैं क्या होता है कमाल कर्नल का के इस भाग में। अरे स्वाति जी, ये कंचन कहाँ गई है? खेत पर गई है। हाँ? अच्छा तो वो हाँ, तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? कोई आया था उनके साथ गए हैं। ठीक है, ये क्या पढ़ रही है तू? पढ़ रही हूँ। ये तो मुझे पता है। ओहो, झांसी की रानी पढ़ रही है तू? हैं? झांसी की रानी। तुझे अगर सतनाम चौधरी पढ़ते देख लेगा तो वो क्या बिगाड़ लेगा मेरा? अरे वाह शेर की बच्ची। पढ़ो भाई, मेरा क्या ले रहे हो? पढ़ो। क्यों भाई मताब, हाँ? तेरा दिमाग बहुत घूम गया है, हाँ? तेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, क्या हाल है तेरी तबीयत का? बस मालिक आपकी कृपा बनी रहे, कल तबीयत तो ठीक ही रहेगी। अच्छा, और राधा तो तेरे दिमाग का क्या हाल है? ए? साग, इस बार मैंने साग वाग नहीं उगाया। पर चौधरी साहब, सुबह सुबह क्या हमें साग के लिए पूछने बुलाया था क्या? और मैं साग की बात नहीं, तेरे दिमाग की बात कर रहे हैं। दिमाग की? क्यों, मेरे दिमाग को क्या होना है? और तुम दोनों अपनी क्रांतिकारी छोरियों को संभाल के रखो, समझे? क्यों चौधरी साहब, मेरी छोरियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो गांव की औरतों को उल्टा सीधा सिखा रही है। शीशा दिखा रही है किसको? अरे शीशा नहीं, ये कह रहे हैं कंचन गांव की महिलाओं को उल्टा सीधा सिखा रही है। अरे चौधरी कुछ तो शर्म करो, क्यों मेरी लड़कियों के पीछे पड़े हुए हो? तो शर्म ही तो कर रहा हूँ, वरना कब का तुमको मैं तुम्हारी जमीन से बेदखल कर देता जो मेरे पास गिरवी पड़ी है, समझे? नहीं सरकार, ऐसा जुर्म मत कीजिए, हमें तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि हमारी गलती क्या है। तेरी छोरी उस मल्ला की छोरी सुधा के साथ औरतों को पढ़ाने की बात करे है। और देख मताब, पढ़ाई के मैं भी कोई खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये काम गांव की छोरियां करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? लेकिन सरकार गांव में तो कोई भी महिला पढ़ी लिखी नहीं है, अब कंचन नहीं पढ़ाएगी तो गांव का भला कैसे होगा? अच्छा तो तू अब करेगा गाँव का पढ़ा, हा? और तेरी बेटी बांधेगी गांव में तरक्की के शामियाने, सुन लो इसकी बात। इसकी बेटी बांधेगी शामियाने तरक्की के, और ये भेजेगा अपनी बीबी को गांव में पढ़ने के लिए, शर्म नहीं आएगी तेरे को? और राधा तू इस उम्र में स्कूल में पढ़ने जाएगी? नाव लेकर जाएगा वो जो नाव चलाता है, हमें उस तंदूराम के चक्कर में काहे परेशान कर रहे हो चौधरी? इससे तो बात करना ही पाप है। सुन मताब, मेरे सुनने में आया है
कि वो कोई गांव में बखेड़ा खड़ा करने वाली हैं, और अगर कोई बेशर्मी की बात हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गया सरकार, मैं उसको समझा दूंगा, समझा कह दूंगा, बल्कि उसको रोकूंगा भी। ओ शाबाश, अब तुम जाओ और मौज करो। ओ राधा, और तुम अपने तेवर थोड़े ठंडे रखा कर। चौधरी, मेरा कोई देवर वेवर नहीं है जिसे मैं ठंडा रखूं। मुझ पर कीचड़ मत उछाल, खबरदार अपनी बेशर्मी की बनियान मत फाड़। और तुझसे तो बात करना बेकार है, जो बात करेगा वही मरेगा। जा, तुम लोग जाओ। छोरी हम घर में आ गई होगी, खाना वाना पकाना जबरन में ले आते हो। ठीक है ठीक है, जा। चौधरी साहब, राधा की बातों से बगावत की बू आ रही है। चौधरी साहब, इस बगावत को तो दबाना पड़ेगा, वरना गांव में सब लोग पढ़ लिख लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और मुश्किल हो जाएगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद। और सारे गांव वाले पढ़ लिख गए तो हमारी तो बंद बंद हो जाएंगे। गांव में चक्कर लगाओ, पता करो कि कौन कौन सी साजिश में शामिल है। ठीक है, बिल्कुल जाओ। काका राम राम। राम राम भैया, राम राम। कौन है? मैं हूँ झंडा। अच्छा अच्छा, कर्नल बाबा का बेटा झंडा सिंह। ये सुधा और इसके घर वाले कहाँ गए? कम्मो और चतरा तो सुबह नदी की तरफ जाते हुए दिखाई दिए थे, शायद वहीं गए होंगे। और सुधा? सुधा, सुधा तुम्हारे घर की तरफ गई है, वो कह के गई थी कि घर का ध्यान रखना। मेरे घर की तरफ गई थी? अच्छा काका, राम राम। अच्छा भैया, अच्छा आए ना तो बता देना कि झंडा आया था। ठीक है भैया। अरे झंडा सिंह, तुम यहाँ इस वक्त? तू यहाँ क्या कर रही है? हेलो, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। आज माँ बाबू जी कहीं बाहर गए हैं। माँ बाबू जी बाहर गए? कहाँ गए? पता नहीं, एहसान चाचा आए थे, उन्हीं के साथ कहीं गए होंगे। ओहो, तो एहसान चाचा आए थे। अच्छा एक बात बता, ये सुधा सवेरे सवेरे आज मेरे घर आई थी, क्या बात थी, क्यों आई थी? सुधा? हाँ। तुम्हारे घर? हाँ हाँ। मुझे क्या पता? तुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो तू फिर किसे पता भाई? अरे मुझे तो लगता है सुधा पागल हो गई है। अरे वो क्या पागल होगी, पागल तो मैं हो जाऊंगा। मैं कभी यहाँ ढूंढ रहा हूँ, कभी वहां ढूंढ रहा हूँ, समझ नहीं आती बात। आखिर गई तो गई कहाँ, तुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। पर तुम यहाँ इस समय क्यों आए हो? तुम दोनों को बाबा ने बुलाया है। क्यों? गाँव में मीटिंग है स्कूल के लिए, तुझे नहीं पता? सच? तो क्या मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया जो सुबह सुबह मैं तुझे बुलाने के लिए आया हूँ? अब इस बात की गारंटी मैं कैसे ले सकती हूँ? चिंता मत कर, जिस दिन कोई पागल कुत्ता मुझे काटेगा तो सबसे पहले मैं तेरे ही मटका भरूंगा। मुझे कुछ नहीं होने वाला। अरे लड़की, तू अभी मेरे जलाल से वाकिफ नहीं है। देख, अगर मैं नेवले में थूक दूं तो सांप मर जाए। अब ये क्या बात हुई? बात? अरे बावली, इसमें बात वाली बात है ही नहीं, ये तो केवल बातम बात है, नहीं समझी? देख, मैं जब सांप पर थूकूंगा तो सांप पर मेरा जहर चढ़ेगा, मेरा, ये देख रही है, मेरा जहर चढ़ेगा, और जब सांप की मौत होगी तो उसके डर से नेवला खुद ब खुद मर जाएगा। ये तो झंडा सिंह का कलेश है, कलेश। अब इतनी बात तो मेरी समझ में आती नहीं। हाँ, अगर तेरे में समझ होती ना तो तू पत्थर फेंकती खेतों में और आलू पैदा हो जाते। आलू? अब ये आलू कहाँ से आ गए? क्या कहा, आलू? अरे बावली, आलू तो राष्ट्रीय सब्जी बाग है, नहीं समझी?
मेरा मतलब है कि आलू सब्जियों का बाग है। जैसे देखो, जहाँ नहीं होता भालू वहाँ होता है आलू। ये तो जमीन में छिपा हुआ वो हीरा है जो दबे 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 लश्करे मारता है। अब देख कर, इफ्तारी हो तो आलू, शादी हो तो आलू, बर्बादी हो तो आलू, मेला हो तो आलू, और आदमी अकेला हो तो भी आलू। और इधर देख, ऊपर गर्मू सगुन की कढ़ाई हो तो आलू, फौज की लड़ाई हो तो आलू। ये तो ऐसी बड़ा है, अगर अपना वजूद छोड़ दे तो देखिए न जाने कितनी सज्जी बेवा हो जाएंगी, नहीं समझी विधवा हो जाएगी। अरे झंडा, एक बात बता, तू सवेरे से थी कहाँ? न जाने कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा हूँ मैं तुझे। तुम्हारे ही घर गई थी। हाँ, वो बूढ़े काका ने बताया था। अच्छा, कर्नल बाबा मिले थे वहां पर? नहीं नहीं, मैं घर नहीं गई। रास्ते में डाकिया मिल गया था, उसने बताया कि तुम यहीं आए होगे। जब तुम्हारे घर गई तो पता चला तुम वहां से भी जा चुके हो। कंचन क्या उसकी बहन कह रही थी, तुम उसे भी पूछ रहे थे, तो मैं समझ गई तुम यहीं आए होगे। बड़ी समझदार हो गई तू, हैं? चलो ठीक है। अच्छा एक बात बता, तू घर क्यों आई थी? बोलती नहीं। अरे तू घर क्यों आई थी, हैं? कल चौधरी सतनाम ने माँ बापू को बुलाया था। माँ बापू को बुलाया था क्यों? ये धमकी देने कि अगर मैंने पढ़ाने की बात की तो वो उन्हें जीने नहीं देगा। ओहो, ये बात है तो उसने फन फैलाना शुरू कर ही दिया है, ताकि उसकी झूठ और मक्कारी का पर्दा ढका रहे। माँ बापू बहुत डरे हुए, मुझे भी बुरा भला कह रहे थे। वो तो ठीक है, पर देखो सुधा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, समझ गई ना? डरना कतई नहीं। अब इस नाक का फन कुचलने के लिए हमें एक घातक शिकारी बनना होगा। लेकिन झंडा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। देखो, दुनिया में परिवर्तन के लिए ये धूप छांव तो आती रहती है, ये मोड़ तो सुधा आते रहते हैं, पर घबराना नहीं। इस गांव के लिए कुछ करने के लिए मैं किसी भी हद तक तेरे साथ हूँ। सुधा, 9 बजे बाबा ने पंचायत की मीटिंग बुलाई और बाबा चाहते हैं कि तुम दोनों भी उस बैठक में आओ, और महिलाओं की अलग से बैठक। इससे कहीं माँ बापू को कोई नुकसान ना हो? ना, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मैं बाबा से कहूँगा कि वो माँ को भी इस लड़ाई में शामिल करें, और उन महिलाओं को भी जो पढ़ना चाहती है। क्यों? तो फिर मैं तुम पर भरोसा करूँ? देखो सुधा, इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं होगा, तुमको अपने ऊपर मुझसे ज्यादा भरोसा करना होगा, समझ गई ना? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि तुम एक बहादुर लड़की हो, वाकई बहादुर लड़की हो, और इस गांव की तकदीर बदलने के लिए अगर तुम कोई कदम आगे बढ़ाती हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं हद से ज्यादा तक तुमको साथ दूंगा, समझ गई? मगर उसकी एक शर्त है, तुम एक बार मुस्कुरा के दिखा दो। हाँ, ये बस 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 हो गया, हमारा काम तो हो गया, ये हुई ना बात। मैं आज कर्नल बाबा से बात करूंगा, वो तुम्हारे पिताजी से भी बात कर लेंगे, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। ठीक है। और सुन, अगर कोई काम पड़ता है तो फिर हम वहीं मिलेंगे जहाँ हमेशा मिलते हैं, या खबर भेज देना। सुधा, तू घबराती क्यों है? झंडा है ना हमारे साथ, वो सब कुछ ठीक कर देगा। पता नहीं कंचन, ना जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। तू घबरा मत। अच्छा चल, मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटा, चल। अरे तू घबराती क्यों है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भाई जान, ये तो हद हो गई है। अरे एकदम सरासर बगावत है, ना तो हमसे कोई सलाह की, ना हमसे कोई मशवरा लिया, और ऐसी बैठक रख ली। अरे बैठक की तो छोड़ दिलीप, अब ये सोचो कि होगा क्या। हमारे घर की औरतें क्या पर्दा छोड़ के मदरसे में पढ़ने जाएंगी? अरे हमारे बच्चों का क्या होगा? अरे सुना तो ये है भाईजान कि सब औरतों को एक करने की योजना है,
और सुबह से ही झंडा सिंह और नंदू इस काम के लिए निकल चुके। तो कर्नल ने अपनी केंचुल को छोड़ना शुरू कर दिया हाँ? लेकिन मैं भी वो उसे छन्ना टा दूंगा कि वो भी क्या याद करेगा कि गांव का फ्रंट भी कोई कम नहीं होता। हमें तो लगता है चौधरी साहब कि कोई बड़ी तिकड़म लगानी होगी, उसी बैठक में कोई हंगामा करना होगा। ओ नहीं नहीं, बैठक में कोई हंगामा नहीं करना हमने हाँ? वरना लोग सोचेंगे कि हमारी नियत में खोट है। पर तो फिर क्या किया जाए चौधरी साहब? उस कर्नल के भाषण के बाद सबसे पहले तो तुम लोग तालियां बजाओ। ठीक है ठीक है, जोर जोर से तालियां बजाओ। जोर जोर से तालियां। और उसके बाद दिलीप पे तू पूछना। क्या पूछू? ये पूछना कि इस पढ़ाई से हमें मिलेगा क्या हा? ये पूछू कि इस पढ़ाई से हमें मिलेगा क्या? हाँ, रोटी मिलेगी हा? पानी मिलेगा या गांव की हमें पक्की सड़क मिलेगी? ये बात तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही सवाल पूछेंगे। हाँ, तुम एक काम करो यार, तुम वहां पे शोर मचाना और ये कहना कि इस झमेले में हम औरतों को क्यों बड़ा शामिल करें। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब। सरकार सरकार हंदी हो गई सरकार। हाँ, मुझे पता चला है कि वो पत्रकार है नी परमानंद और मास्टर, वो भी इस आग में कूदने वाले हैं। हाँ? ओ, तो इतनी जल्दी उस कर्नल ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। मुझे तो ये भी पता चला है सरकार कि गांव की कुछ औरतें पढ़ाई के मामले में आगे आने को तैयार हैं। हाँ, और माफी चाहूंगा सरकार, दिलीप सिंह जी की पत्नी भी इसमें शामिल है। हाँ, क्या मेरी बेटी? अरे भाई, उसने इतनी हिम्मत कैसे कर ली? मैं तो अभी घर जाता हूँ। और नहीं दिलीप पे जल्दबाजी नहीं करते, वो वहां होगी तो हमारे लिए अच्छा होगा, किसी को शक भी नहीं होएगा, समझा? मगर सरकार अब तुम तेल देखो, तेल की धार देखो, समझे? अच्छा, अब तुम लोग जाओ, वरना लोग ये समझेंगे कि हम यहाँ पे बैठ के कोई योजना बना रहे हैं। हाँ, कल बैठक में मिलेंगे। लेकिन चौधरी साहब, जब हमें बैठक में बुलाया ही नहीं गया तो हम क्यों जाएंगे? अरे मैं तो आप लोगों को बताना भूल ही गया था, मुझे कर्नल साहब ने बताया था कि आप सबको मैं इस बारे में बता दूं। ये कर्नल बड़ा शातिर आदमी है भाई है? चलो जो भी होगा कल देखते हैं, लेकिन हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा। हाँ, समझ गए ना? चलो अब चलते हैं। ठीक, तुम चलो, मैं भी बैठ के जरा सोचता हूँ। चलो ठीक ठीक है। चलो ठीक। ओ बेटा झंडा। जी बाबा। ये बगीचा तो तूने बड़ा सुंदर लगा रखा है भाई। बाबा मेहनत करता हूँ, 2 घंटे सवेरे और 2 घंटे शाम को। अब पौधे भी उसमें बड़े छांट छांट के लगाए, सारे के सारे आपकी पसंद के हैं। गुलाब जैसे है, और मेरी भी पसंद है, तेरी भी पसंद है। बाबा एक बात पूछू था मैं? हाँ पूछ। हालांकि ये तो होता नहीं हाँ हाँ। पर क्या चौधरी सतनाम सिंह इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है? अरे बेटा, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। बहुत ही गिरा हुआ और मक्कार आदमी है वो। परमानंद जी की ऐसी ही कोशिश को उसने नाकाम कर दिया था और उन्हें गांव छोड़ के भागना पड़ा था। अजी, इतना अंधेर तो हमारे गांव में भी नहीं था। अरे ममता, हर गांव एक सा नहीं होता और ना ही हर गांव के लोग एक से होते हैं। लेकिन अब मैं अपने इस गांव को अशिक्षा के अंधेरे में और दम तोड़ता नहीं देख सकता। बाबा हाँ। अब हमें उसकी हर तरकीब का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। नहीं बेटा नहीं, शांत रहो। जब तक दुश्मन अपनी तरफ से पहल ना करे शांत रहो। हो सकता है कि वो इसके पहले ही हथियार डाल दे, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हम उसका मुंह तोड़ के जवाब देंगे। आखिर ये सच की और तरक्की की लड़ाई है, हमारी आज की पीढ़ी की तरक्की की लड़ाई है। लेकिन बाबा, ये कंचन और सुधा बहुत डरी हुई है। वो सोच रही है कि मेरा कोई महिला उनके साथ में इस काम के लिए आवेगी या नहीं। ममता, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्या तुम अपनी शिक्षा का मूल्य दोगी इस गरीब समाज को? इसके लिए मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस गांव के लिए लड़ेंगे तो मैं भी आपके साथ लड़ूंगी। आप कहिए तो सही, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें गांव की हर औरत को समझाना होगा।
सुधा और कंचन का साथ देना होगा। मैं तैयार हूँ जी। लो बाबा, बन गई बात। अब मैं एक काम करूँ, महिलाओं की बैठक का इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है, ठीक, जाऊँ? जा। अब मेरी हिम्मत और बढ़ गई है। अब मेरे साथ एक हिम्मती बेटा और एक ईमानदार बीवी इस जन्म है। अब देखेगा जमाना कमाल करने का। अगर हमने चोरी से दुश्मनी ली ना, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अपना पेट काट के हमने पढ़ाया है इन लोगों को, और इस पेट की खातिर कह रहे हैं कि गांव की भलाई का ख्याल छोड़ दो। अरे बापू, तो हम कौन सा किसी से जबरदस्ती करते हैं? और सच पूछो तो गांव की औरतें ही हमसे पूछती हैं कि क्या वो कभी पढ़ भी पाएंगी या नहीं। सच्चाई कुछ भी हो, हमें सच्चाई वही माननी होगी जो हमारे लिए परेशानी खड़ी ना करे। अरे अगर ऐसा ही था तो हमें पढ़ाया ही क्यों? ए लक्ष्मी, तू रो मत रही, मैं हूं ना अभी जिंदा। वो चौधरी की इतनी हिम्मत की तुझे धमकाए? अरे तेरा जो जी चाहे तू कर, जैसा तुझे अच्छा लगता है। वो चौधरी से तो मैं नहीं पट लूंगी। तेरी खोपड़ी तो खराब नहीं हो गई है? झोपड़ी झोपड़ी जब फिरेगी जब देखी जाएगी। अरे झोपड़ी नहीं, खोपड़ी, हम उसके कर्जदार हैं। अरे तू यूं चिल्ला क्यों रहे हो? मैं नहीं डरने वाली किसी से। गए वो जमाने डरने के। हमारे गांव में तो चौधरी लोग आके लोगों के दुख में सुख में शामिल होते थे। ऐसे मक्कारों से डरने से अच्छा तो मर जाए हम। तो फिर क्या? वही जो आजकल हर कोई चाहता है, पढ़ाई लिखाई और समझ। कुछ हो गया ना तो तू जानना। तो क्या हमारा भाग्य? ए लक्ष्मी, तू आज जरूर जाइयो, और बल्कि हो सके तो मैं भी तेरे साथ चले चलूंगी। जानदा से जाके प्लेट लेकर आ। आधा बर्ज ए? अरे ओ घर फोड़ू। ए? अरे सुबह सुबह आज यहाँ कैसे? अबे वैसे तो यहाँ तू आता नहीं है, तेरे चेहरे पे ये हवाइयां कैसी उड़ रही हैं? ठीक हूँ भाई, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मालिक ने मुझे बुलाया है। क्यों? तुझे मैंने बुलाया था। अदरी पे जी, मैंने कहा था तेरे को डाकिए के का क्या पता करो, कौन कौन है इसके परिवार में, पता किया तूने? बिल्कुल पता किया चौधरी साहब। भाई चौधरी साहब, इसके घर में तो इसका एक बच्चा है और इसकी बीवी रहते हैं। मैं समझा नहीं हूँ। अब बिरमो, लगता है तू हिंदी फिल्में नहीं देखता। चौधरी साहब, वैसे तो मुझे ये डांक बांटने में ही फुर्सत नहीं मिलती है। हाँ, कभी मेले ठेले में फ्री पास मिल जाता है तो एक आध फिल्म देख लेता हूँ। तेरे को मेले वेले में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो भी फिल्म होगी ना, वो हम तेरे को दिखाएंगे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ चौधरी साहब, आप मुझे फिल्म दिखाने की चिंता क्यों कर रहे हैं? मालिक तुझे फिल्म दिखाना नहीं, तेरे परिवार पे फिल्म बनाना चाहते हैं। ओ आसान, इसको फिल्म की कहानी बता रहे। हाँ भाई बिरबू, देख, इस फिल्म में एक तो तू होगा, तेरी बीवी होगी और तेरा बेटा होगा। फिर तेरे बेटे को अगवा किया जाता है, है? और तेरी बीवी को बनाएंगे हीरोइन, और वो तेरे बच्चे को जो लापता हो गया है ढूंढती इधर उधर गाँव गाँव मारी मारी फिरेगी और बच्चा नहीं मिलेगा। और आखिर में उसको पता चलेगा कि तेरा बच्चा चौधरी सतनाम जी की हवेली के तहखाने में कैद है, जहाँ पर पुलिस तो क्या परिंदा भी दाना ना चुक सके है। और ये पता चलते ही अरे तेरी बीवी रोती बिलकती रोती बिलकती चौधरी जी के पैरों में आकर लौट जाएगी। लेकिन उसे बच्चा नहीं मिलेगा। हाँ, ये दिलीप जरूर उसके कपड़ों के साथ खेचा खांची करेगा। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है चौधरी साहब? अरे मैं तो आपके जर खरज गुलाम की तरह आपकी सेवा करता रहा। अरे मालिक, मैंने तो कई वर्षों आपके लिए झूठे केसों में गवाही तक दी, मेरे से क्या गलती हुई माई बाप? फिर मेरे कुछ नहीं, आजकल झंडा सिंह से तेरी मुलाकातें बहुत बढ़ रही है। अरे मालिक, वो अनपढ़ गवार खुद चलकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है, मैं थोड़े ही उसके पास जाता हूँ। और हाँ, मैं जब डाक बांटने जाता हूँ तो उसके घर के सामने से ही तो मेरा रास्ता है, वो रास्ता रोक लेता है। अब मैं क्या करूँ मालिक? झंडा सिंह तुझे क्यों रोकता है, हमें क्यों नहीं रोकता? वो इसलिए मालिक कि उसे जुमलेबाजी के लिए कोई ना कोई पकड़ा चाहिए होता है, और मेरा रास्ता उसके घर के सामने से ही निकलता है। हम कुछ नहीं जानना चाहते,
हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि तू अपने परिवार के ऊपर फिल्म बनाना चाहता है या नहीं। नहीं नहीं मालिक, मैं तो बिना फिल्म बने ही आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। और तू कर्नल के घर की सारी खबरें हमारे पास लाएगा और उनके घर में जो भी चिट्ठी आएगी ना वो सारी चिट्ठियाँ पहले हमारे पास लाएगा। जी मालिक। तो ठीक है जाओ। झंडा सिंह की चिट्ठी से क्यों? मैं सरकारी आदमी हूँ, मैं इन लफड़ों में नहीं पढ़ू, इससे तो चल ट्रांसफर करवा लू मैं अपना। वो किस सोच में पड़ गया तू, अब जाओ। जी मालिक। आदाब। खबरी बनने हमारा। रौबदार और कड़वा सच है, कर्नल का आधार धड़कन धड़कन जुड़ा हुआ है, शिक्षा का संचार, शिक्षा का संचार, शिक्षा का संचार, गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार, गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार, भैया कर्नल का ये कमाल, रे बबुआ कर्नल का ये कमाल, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का।